अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताऊते का असर बुधवार को महानगर में भी देखने को मिला, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। रुक रुक कर चल रही ठंडी पूर्वा हवाओं ने जनपद सहित समूचे पूर्वी क्षेत्र के तापमान को गिरा दिया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार की सुबह वह 4 डिग्री गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार तापमान का यही स्तर अगले 3-4 दिन तक बना रहेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार की सुबह से ही बादलों ने मोर्चा संभाल लिया था। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे, धूप उसके प्रभाव में गुम हो गई, दिन भर बूंदाबांदी चलती रही। इसके लिए वायुमंडलीय परिस्थितियां बनकर तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए ताऊते तूफान के मतलब जो अगर आप कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट एरिया के रूप में इस क्षेत्र को है, और अभी जो IMD द्वारा फोरकास्ट जारी किया गया था, अभी जस्ट अभी हम लोग को एक नावकास्ट प्राप्त हुआ है, शाम 7 बजे तक का ये नावकास्ट IMD ने दिया है। कई सारे जिलों में उन्होंने अलर्ट जारी किया है, जिसमें ये है कि तेज़ हवा चलने की संभावना है, बारिश होगी थोड़ी, इस तरह की संभावनाएँ उन्होंने व्यक्त की हैं, जिसमें यह है कि भाई सभी लोग मौसम पे अपना मतलब नज़र बनाए रखें, और यदि अगर इस तरह की तेज़ हवा चलती है या कुछ दिक्कत ऐसी महसूस होती है तो अपने घरों में रहें और सुरक्षित स्थल पर रहें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई हानि ना होने पाए। लेकिन अभी मौसम सामान्य है, और जिस हिसाब से सूचना प्राप्त मिली है हमने सभी अपने डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वो सुरक्षित रहें।